हेलो फ्रेंड्स, DRDO MTS की जो अभी भर्ती प्रक्रिया के आवेदन 23 तारीख को लास्ट डेट हो चुकी है, तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने नंबर लाने पर आपका सलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। यदि आपने भी DRDO MTS या आपके किसी मित्र ने DRDO MTS के फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी अलर्ट हरियाणा। साथियों, यदि आपने भी DRDO MTS का फॉर्म भरा है तो सबसे बड़ी बात है कि कुल कितने फॉर्म भरे हैं ये जानना जरूरी है और कितने नंबर पर कट ऑफ जाने की संभावना है वो भी इस वीडियो में बताने वाला। देखिए साथियों, जो MTS है उसके जो लास्ट डेट थी उसकी कुछ टाइम पहले रात को 12 बजे के लगभग लास्ट डेट थी और ये फॉर्म 10 बजे के लगभग भरा गया है, रात को 10 बजे। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 10-13-014-25-52-98। दोस्तों, इसमें जो ये डिजिट है स्टार्ट के 6 डिजिट हैं 1 तक के, इनको आप नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये जो है ये आपके एप्लीकेशंस नंबर के जो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसके अनुसार है। और जो ये है ये फॉर्म स्टूडेंट्स की काउंटिंग है 42,55,298, जो इस बार आवेदन हुए हैं वो 42,55,298 जो क्रमांक है ये रात को 10 बजे प्राप्त हुआ था। अब टाइम बचता है 2 घंटे का और, तो लगभग ये जो फॉर्म है ये 43 लाख लगभग इस बार आवेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये जो लगभग 55,000 तो भरे जा चुके थे, लगभग 45,000 के लगभग भरे जा चुके होंगे, क्योंकि 2 घंटे का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें 45,000 आवेदन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार लगभग 43 लाख आवेदन इस बार MTS DRDO में प्राप्त हैं, पिछली बार की तुलना में। पिछली बार मात्र 22 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे और अब की बार दोस्तों 43 लाख जो है वो आवेदन प्राप्त हैं। उसके हिसाब से यदि कट ऑफ का आइडिया भी लगाया जाए तो कट ऑफ बढ़ने की पूर्णतः संभावनाएं लग रही है, क्योंकि यदि आवेदन बढ़ता है तो कट ऑफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना है। तो क्या रह सकती है कट ऑफ वो भी आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, कट ऑफ है वो 100 में से होगी DRDO MTS की, तो इसमें यदि हम जनरल की कट ऑफ लगाएं तो जनरल का विद्यार्थी यदि 65 से 75 के बीच में क्वेश्चन सही करके आता है तो उसका चांस पूरे पूरे बनते हैं। यदि हम OBC नॉन क्रीमियर लेयर के लगाएं तो 59 से 64 मार्क्स यदि स्टूडेंट OBC लेयर का प्राप्त करता है, OBC नॉन क्रीमियर लेयर। SC कैंडिडेट तो SC दोस्तों 54 से 62 के बीच में, और बात करते हैं यदि ST कैंडिडेट तो दोस्तों ST 45 से 56 के बीच में। इतने क्वेश्चन यदि आप DRDO MTS में कर आते हैं तो आपका चांस पूरा पूरा फाइनल सिलेक्शन की ओर हो जाता है। ये कट ऑफ बिल्कुल एक आइडिया है, आप इसे कंफर्म नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन ये जो कट ऑफ है काफ़ी हद तक सही आएगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है काफ़ी सर्वे और काफ़ी एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो जो जनरल है वो 65 से 72, OBC है वो दोस्तों 59 से 64, SC 54 से 54 से 62 और ST 45 से 56 के बीच में। तो आप इतने नंबर की तैयारी आप करना होगा ताकि आपको DRDO में आखिरी जो फाइनल सिलेक्शन है यानी आपकी नौकरी तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, यही जो सूचना थी वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करनी थी। यदि आपने अभी तक भी स्टडी अलर्ट हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है जॉब अलर्ट और स्टडी और 100% नौकरी के चांस। तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो।